बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई इलाकों में आज जीतिया का व्रत तो रखा जा रहा है। जीतिया व्रत महिलाओं के लिए बड़ा ही महत्व रखता है। मूल रूप से जीतिया का व्रत बच्चों की लंबी उम्र और सलामती के लिए करते हैं। इस व्रत के दिन पूरे परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल देखा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जीतिया के नहाए खाए में मड़ुआ की रोटी, माछ और नोनी साग खाने की परंपरा है। वहीं जीतिया व्रत के पारण में सतपुतिया या झिंगनी की सब्जी जरूर खाई जाती है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में सतपुतिया के पत्तों का इस्तेमाल भी जीतिया व्रत की पूजा में प्रसाद अर्पित करने के लिए किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर सतपुतिया की सब्जी क्या होती है और इसके खाने के फायदे क्या क्या हैं। जीतिया व्रत में खाई जाने वाली सतपुतिया की सब्जी एक तरह की तोरी की सब्जी ही है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बदलते मौसम में सतपुतिया की सब्जी खाई जाए तो ये बीमारियों और संक्रमण के खतरे को कम करती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सतपुतिया की सब्जी बहुत फायदेमंद है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर मैनेज करने में मदद मिलती है। सतपुतिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और इंसुलिन लेवल को नियंत्रित करने में यह मददगार है। इस मौसम में आने वाली अन्य सब्जियों के मुकाबले सतपुतिया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम है, इसलिए ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। जो लोग वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं, सतपुतिया उन्हीं के लिए बहुत फायदेमंद है। सतपुतिया में लो कैलोरी और हाई फाइबर पाया जाता है जो वजन घटाने में मददगार है। वजन घटाने के लिए सतपुतिया की सब्जी खाने की बजाय जूस का सेवन करें। वहीं इस सब्जी में पोटेशियम और आयरन की अच्छी मात्रा है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, साथ ही हार्ट से संबंधित परेशानियों का खतरा भी कम हो जाता है। सतपुतिया के सब्जी में हाई फाइबर भी पाया जाता है। ये मल को मुलायम बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान करता है। साथ ही जिन लोगों को अक्सर कब्ज, पेट में दर्द और ब्लोटिंग की परेशानी रहती है, उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार सतपुतिया की सब्जी खाने की सलाह दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।